भाई साहब तोरे लाला कल्लू ए गोल में खड़ो मत हो मेरे यार देख कैसे कर रहा हूं बहुत अच्छी सेकंड हाफ का गेम शुरू अंक लिया इशारा किया डिफेंडर ने किया नहीं है लेकिन रेफरी महोदय की चौकस निगाह अंक है बावली शर्मा खवासपुर वाले और ठाकुर रामपाल सिंह जी सीरियल वाले दोनों ही बेहतरीन सुलझे हुए निर्णायक महोदय काफी मैचों का अनुभव दोनों ही को कोई शक संदेह की गुंजाइश नहीं मानो क्रिकेट में साइमन टपल और कबड्डी में ये दोनों बहुत ही अच्छे रहे सेकेंड हाफ में दोनों गेंद समान एक एक पकड़े गए एक पॉइंट गवाया दोनों ही टीमों के अभी भी समान दोनों हाफ के स्कोर्स को मिलाकर बिल्कुल बराबर भैया ब्लैक बोर्ड के नीचे भाई साहब थोड़ी देर की बात हो रही है रस्सियों पर अगर ना झूलो वैसे तो व्यवस्था खराब हो ही गई है आप लोगों ने महान कृपा की है कि बल्लियों को हिलाया है लाइटों को हिलाया है टोपी वाले भाई साहब वीडियो तो बिना रस्सी पे झूले बन जाएगी बाबूजी भाई साहब लगता है आवाज पहुंची नहीं भैया के कानों तक भैया बिना रस्सी पे झूले वीडियो बन जाएगी भाई साहब बिल्कुल हमारे ठीक सामने ब्लैक बोर्ड के बाएं बीजी है भाई साहब हमारा सुनने अभिषेक रेड करते हुए अपनी टीम मेरा के लिए भैया खिलाड़ी आपस में बहस ना करें रेफरी महोदय ने डिसीजन दे दिया अंक है तो अंक है आपस में बहस क्यों कर रहे हैं भाई भैया अमित भाई अभिषेक भाई आप दोनों बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं सुलझे हुए खिलाड़ी हैं दोनों की टीमें यदि आपस में ऐसे मतभेद उत्पन्न करें तो अच्छा नहीं लगता है युवा खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि इतने दिग्गज खिलाड़ियों की टीमें भी ऐसे बहस करती हैं नहीं गलत अंक लिया एक और कसेर हुए खिलाड़ी ने भैया नीरज त्यागी अपने घर पहुंच जाओ भाई साहब नीरज त्यागी अपने घर पहुंच जाए अभिषेक सिंह एक बार फिर से रेड पर बहुत अच्छे अमित कसेरू को बीट करते हुए अभिषेक ने एक अंक निकाला हैंड टच के जरिए अंक बढ़कर हुए अमित मेना 5 अमित कसेरू 3 इतना दिलचस्प मुकाबला चल रहा है कि दर्शक तो दर्शक आगामी मैचों में जो खिलाड़ी प्रतिभाग करने वाले हैं वो भी इस मुकाबले को टकटकी लगाए देख रहे हैं जैसे कि गजेंद्र राणा देखिए सभी दर्शकों को मैं एक सूचना दे दूं अभी मेरे फोन आया है
सदमोर नागा बाबा कबड्डी टूर्नामेंट की तारीफ बता रहा हूँ कि नगला डांसा में एक बार टूर्नामेंट बीच में बंद करना पड़ा, लेकिन इसी दौरान हमारा टूर्नामेंट बीच में भिड़ गया और मजबूरन फिर से नगला डांसा में जो 12 तारीख से टूर्नामेंट शुरू होना था, सभी टीमें आपको यही जोर अजमाइश करती हुई दिखाई दे रही हैं। और अभी अभी एक फोन आया है मेरे पास, वो फिर भी टूर्नामेंट शुरू नहीं हो पाया है। तो ऐसे ही नहीं, हमसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नंबर वन टूर्नामेंट कहते हैं। कोई भी आयोजन कमेटी इस टूर्नामेंट के आसपास अगर कोई आयोजन करती है तो बहुत ही संघर्ष करना होता है। अगर आप सभी का सहयोग रहा तो अगले आने वाले वर्षों में संपूर्ण उत्तर प्रदेश का नंबर वन टूर्नामेंट होगा श्री अद्भुत नागा बाबा कबड्डी टूर्नामेंट। संपूर्ण उत्तर प्रदेश का नंबर एक टूर्नामेंट होगा। पकड़े गए इस बार खिलाड़ी, पूरी मेना की टीम को देखिए किस तरीके से हिला दिया, मानो कि ब्रूस ली निकल गया हो नीचे से। अभिषेक एक बार फिर से रेड पर, इस समय मेहनत दो अंकों से आगे चल रही है। अभिषेक रेड कर रहे हैं अपनी टीम के लिए अंक लेने का प्रयास करते हुए, लेकिन दोनों ही टीमों में रेडर अगर तगड़े हैं तो डिफेंस भी तगड़ा है। कोई बात नहीं, दर्शकों का काम है कि ना खिलाड़ी दर्शकों की बात पर ध्यान ही ना दे, रेफरी महोदय के डिसीजन का वेट करें सिर्फ। बता रहे दर्शकों का तो काम होता मजा लेना, भैया दोपहरी में रात में यहाँ बैठे हैं तो मजा लेने को तो बैठे। बहुत बढ़िया अंक फिर से बराबर, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला। दोनों ही टीमों में रेडर बेहतरीन तो डिफेंस भी उतना ही बेहतरीन। अभिषेक फिर से रेड करते हुए अंक ले गए अभिषेक। फिर से वही रेडर रेड करते हुए कसीरू की तरफ से अभिषेक मैना की टीम के पाले में। बहुत अच्छे हुए इस मैच में, जो भी खिलाड़ी झंडी उखाड़ेगा उसे मोनू की तरफ से, जो पूर्व कबड्डी खिलाड़ी है रहेगा टीम के, उनकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और यदि झंडी नहीं उखड़ती है तो ये 200 रुपए कमेटी के पास सुरक्षित पब्लिक खाते में जमा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मुकाबला चल रहा है। अभिषेक मैना की टीम के अंक हैं सेकेंड हाफ में 10 और अमित कसीरू 8। टोटल काउंट किया जाए तो अभिषेक मैना की टीम एक अंक से आगे है। रेड कर रहे हैं खिलाड़ी कसीरू की टीम के लिए, वही 61 नंबर और अंक लिया उन्होंने अपनी टीम के लिए। फिर से अंक समान हुए, दोनों ही टीमें बिल्कुल बराबरी पर खेल रही हैं। बहुत अच्छा मुकाबला, बिल्कुल
फिर से कैच करने का प्रयास किया, अमित ने पकड़ नहीं सके और अंक मिला अभिषेक को। दोनों ही टीमें साथ प्रैक्टिस भी करती हैं तो एक दूसरे के खेल को जानती भी हैं अच्छी तरह से। इससे अगला मैच सत्येंद्र राणा और मीरपुर के बीच होगा। इस मैच में 5 मिनट शेष है। इस मैच में पांच मिनट शेष है, माफ कीजिएगा दो बार बोल गया। मैच बिल्कुल बराबरी पर चल रहा है। प्रयास किया अभिषेक सिंह ने लेकिन पहले तक पहुंच नहीं पाए और अंक मिला कसेरू को। सेकेंड हाफ के अंक बिल्कुल समान 11-11। इससे अगला मैच सत्येंद्र राणा और मीरपुर दोनों ही टीमें तैयार रहे। भैया सभी खिलाड़ियों के लिए सूचना है कि इस टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद तुरंत नगरा डांसा में जहां से टूर्नामेंट बंद हुआ था वहीं से शुरू हो जाएगा। तो मेहर ठीक है भैया, अगर कोई नई टीम भी पहुंचना चाहे तो उसे कोई टीम दे दी जाएगी। तो नगरा डांसा में पहुंचे सीधे यहां से और अब उसमें प्रथम स्थान मोटरसाइकिल बाइक कर दी गई है। दूसरा जो इनाम है वो 25,000 रुपए है। सीधी टीम यहां से नगरा डांसा पहुंचे। गेम फिर से बराबर, बिल्कुल बराबर। सभी खिलाड़ियों को फिर से अवगत करा रहे हैं। अभी नीरज भैया ने बताया जैसे ही हमारे यहाँ टूर्नामेंट समापन होता है तो सभी खिलाड़ी नगला डांसा में पहुंचे भैया, जहाँ से टूर्नामेंट रुका है वहीं से चलेगा। पर यदि कोई नई टीम भी जाना चाहती है तो वो भी जाकर खेल सकती है। सेकेंड हाफ में अंक बिल्कुल समान 13-13, लेकिन टोटल काउंट करें तो एक अंक से भैया नीरज त्यागी अपने घर पहुंच जाए। एक अंक मिला कसेरू को, कसेरू के अंक हुए 12 और मैना 13। दो दो कबड्डी से मैच इस समय बिल्कुल बराबर है और इस मैच की दो दो कबड्डी शेष है। दो दो कबड्डी शेष है इस मैच में और इस समय बिल्कुल स्कोर बराबर। अभिषेक रेड करते हुए अंक लेने का प्रयास करते हुए अपनी टीम मैना के लिए और अंक ले गए अभिषेक। नंबर 6 डिफेंडर को बीट करते हुए रनिंग एंड टच किया और एक अंक मिला अभिषेक को। अब फिर से वही खिलाड़ी रेड पर एक अंक से आगे अभिषेक मैना। फिर से वही खिलाड़ी रेड पर अपनी टीम के लिए।
बहुत ही अच्छा मुकाबला अभी तक रहा है और अभी भी बिल्कुल बराबर। दोनों ही तरफ से एक एक रन। भैया खिलाड़ियों से भी अनुरोध है, मैं आपको इस माइक के माध्यम से इस ग्राउंड में खड़े होकर ये बिल्कुल संकल्प दिलाता हूँ कि अगर आपने बेईमानी की तो यहाँ से कोई नाम नहीं ले जा सकता। आपकी ईमानदारी आपके साथ है और वही इस टूर्नामेंट की विजेता होगी जो ईमानदारी के साथ अपना प्रदर्शन करेगी। बहुत अच्छे, एक अंक की लीड अभिषेक मैना के पास। अंतिम रेड है भैया, अमित कसेरू की तरफ से ये लास्ट रेड है। बिल्कुल रेफरी महोदय आपसे भी अनुरोध है, कृपया ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर देखें और उसके बाद आपस में तालमेल बिठाकर कोई निर्णय दें। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मैं दोनों खिलाड़ियों के टीम से एक चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे रेफरी महोदय पर कोई भी अनुचित दबाव न बनाए। अभिषेक मैना के पास एक अंक की लीड और भैया ये बाहर से कोई हिटिंग ना करें। ये अंतिम रेड है इस मैच की, सबको इसी रेड पर निर्भर है। अगर अमित कसेरू के रेडर यहाँ से पॉइंट ले जाते हैं तो अंक फिर से समान हो जाएंगे।